मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनकी लोकप्रियता भाजपा नेताओं को रास नहीं आती है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच मेरी लोकप्रियता को लगातार बढ़ता देख विपक्ष के नेता बौखलाहट में हैं और इसी के परिणाम स्वरूप वे उनकी छवि खराब करने के लिए तथ्यहीन और निराधार बयानबाजी करते हैं। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास ओक ओवर में अनौपचारिक बातचीत में बोल रहे थे। भाजपा की यात्रा को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि रथ यात्रा तो शहरों में होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की अधिकतर जनता गांव में बसती है, ऐसे में भाजपा जिस रथ यात्रा का ढिंढोरा पीट रही है वह चंद शहरों तक ही सीमित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, सिरमौर, रोहडू व चौपाल सहित कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ रथ यात्रा से नहीं पहुँचा जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोटर वाहन या फिर पैदल पहुंचकर जनता से संवाद किया जा सकता है। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम में कांग्रेस ही सत्तारूढ़ होगी। उन्होंने कहा कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि शिमला प्रदेश की राजधानी है, ऐसे में सभी दल राजधानी की MC पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि सभी दल निगम चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, बल्कि यह निगम के हर चुनाव में होता रहता है। वीरभद्र ने कहा कि शिमला शहर में पेयजल की समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में कई पार्किंग्स का निर्माण हुआ और किया जा रहा है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि निगम के मेयर और डिप्टी मेयर रहने के बाद भी माकपा नेताओं द्वारा शहर में पीलिया फैलने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।